क्या करूं, कैसे रोकूं ठाकुर जी को? गिरने का नाटक करूं या ठाकुर जी को ही गिरा दूं? नहीं नहीं, इसे गिरा दिया तो शक हो जाएगा, तो क्या करूं? बेहोश हो जाऊं? नहीं नहीं, बेहोश हो गई तो कैसे रुकूंगी? तो फिर क्या करूं? हाथ तोड़ूं, पैर मोड़ूं, सर फोड़ूं? क्या करूं, इस डेंजर जोन को कैसे रोकूं? एक काम करती हूँ, अभी के लिए तो गिर जाती हूँ, बाद की बाद में सोचूंगी। गिरी जाती तो गिरने के लिए ही तो गिरी थी ना जीजी की बच्ची, क्या जरूरत थी आने की? मन तो करता है कि जिस हाथ से तूने मुझे गिरने से रोका तेरा वही हाथ मोड़ दूं, पर अभी मुझे ठाकुर को इस तरफ मोड़ना है। जीजी, मैं क्या सोच रही थी कि हम सब ना कुछ दिनों के लिए मेरे मायके चले जाते हैं, ज्यादा दूर भी नहीं, नजदीक ही है, और वो इतना बड़ा है ना कि हम सब वहाँ एडजस्ट कर लेंगे, और तब तक ना वो औरत भी मिल जाएगी जो हमारे घर में घुसी है। जी जी, मुझे ना यहाँ बहुत डर लग रहा है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है। अरे वाह, मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ वो निकल जाएगा, मैं जल्दी जाना है। हाँ हाँ जल्दी निकल जाएंगे, मैं गौरी को भी बता देती हूँ है ना, ताकि वो भी तैयारी शुरू कर दे। मैं बोल देती हूँ। गौरी, मीनाक्षी। हाँ। कितना दर्द सहा है तुमने मेरे लिए गौरी, हर कदम हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, अब मेरी बारी है। अरे, मां, डैड, बस सब ठीक है ना? बेटा, गौरी अंदर है या? माँ वो बाथरूम में है। उसे जरा बुला देगा, बात करनी थी। हाँ बुला दूंगा, लेकिन सब ठीक है ना? सब ठीक है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। अब गौरी से तुमको क्या बात करनी है? बात तो मुझे आपसे करनी है। आप तो जानते हैं कि राज ने कितना गुस्सा है, कितना बर्दाश्त किया है, आप उसे आराम करने दीजिए। आप गौरी को उस फोटो के बारे में पूछेंगे, वो फिर से परेशान हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बात का उस पर कोई भी असर हो, आप रहने दीजिए ना प्लीज। क्या बात है जी जी, आप दोनों को किस बारे में बात करनी है? टेंशन वाली कोई बात नहीं है मीनाक्षी, मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है? गौरी, माँ और डैड को तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, आ जाओ। गौरी, गौरी संभल के। अरे ये तो गौरी, क्या आवाज़ है? क्या हुआ गौरी? आप कहाँ जा रहे हैं? बहू आपकी बाथरूम में गिरी है, आपका बेटा है ना साथ में? आप नीचे जाइए, मैं आती हूँ, जाइए ना। गौरी, गौरी, अरे क्या हुआ, तुम चिल्लाई क्यों बेटा? Thank you.
चोट तो नहीं लगी? तुमसे बात कर रहा हूँ गौरी, चोट तो नहीं लगी तुम्हें कहीं? मुझे चोट लगे या ना लगे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फालतू की बात मत करो, जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दो। दिखा। देखा, लगा ली ना चोट, बैठो इधर। ये खरोच भी कितनी अजीब होती है, घाव भी नहीं दिखता और दर्द का एहसास भी होता है। गौरी, जो खरोच तुम्हें इतना बड़ा घाव लग रही है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ रहा तो एक दिन ये घाव नासूर बन जाएगा, फिर दर्द इतना ज्यादा होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें इतना दर्द नहीं दूंगा, तुम्हारा साथ देने के लिए मुझे तुम्हारा ये हाथ छोड़ना होगा। गौरी, गौरी, तू बोल क्यों नहीं रही? अरे मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। गौरी, अब जीजी, जीजी, आप ही बोलो ना, आप ही पूछो इससे, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। वो पता ही नहीं रही है कि उसे क्या हुआ है। अब गौरी, देख, अब मैं अंदर आ रही हूँ। हाँ चाची जी, मैं अभी आया। नफरत होगी मुझे इन आंसुओं से। मेरे घर में पहली बार टेंशन चल रही है, मुझे और टेंशन नहीं चाहिए, समझी तुम? सबको मेरी जरूरत है, मैं नहीं आऊंगा हर बार, इसलिए अपना ख्याल रखना, खुद सीखो, वरना वक्त सिखा देगा तुम्हें। अरे राज, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ चाची जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो गौरी स्लिप हो गई थी, छोटी सी खरोच आई है। हाँ। कुछ नहीं है। पैर फिसल गया, मैं जाके देती हूँ। राज बोल रहा है ना कि कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी चोट लगी है। राज बेटा, गौरी जैसी चेंज कर लेना, उसे नीचे ले आना। चलो चलो, पता नहीं क्या करती रहती है। पहला कदम धर्म का घर, दूसरा कदम ये हवेली। चलो ये भी हो गया। इस घर में सुपर फास्ट एंट्री चाहिए थी, कितनी आसानी से मिल गई। अब आगे का काम अपने आप आसान हो जाएगा और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। बड़े ठाकुर, आप परेशान मत होइए, हम उस औरत के बारे में पता लगा लेंगे। धर्म, तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? आओ। अपनी। ये बड़े ठाकुर है और ये हवेली इनकी है। राम राम, प्रणाम सबको। बड़े ठाकुर, ये लड़की बहुत मुसीबत में, ना इसके पास काम है और ना ही कोई रहने की जगह, तो मैं सोचा मैं आपके पास ले आता हूँ, कोई काम बता दीजिए साहब। धर्म, ये छोटे मोटे फैसले खुद ही ले लिया करो, तुम भी इस घर का हिस्सा हो, इस घर के बेटे जैसे हो, देख लो। मैं इसे काम समझा देता हूँ और फिर हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। अब जीजी, राज से एक बार फिर से पूछ लेती हूँ कि गौरी को ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? रुको, मैं पूछती हूँ। मैं क्या सोच रही थी, उसने बहुत जोर से चीखा था, जरा उसको मैं देख लेती, पता नहीं उसको कितनी चोट लगी। नहीं चाची जी, कुछ छोटी सी खरोच आई है, वो ठीक है। अरे मैं उसको दवाई लगा देती बेटा। मैंने लगा दी चाची जी, आप फिक्र मत कीजिए, आप नीचे चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, तुमने लगा दी। जी जी जी, ठीक है, चलती हूँ।
जी जी चलो यहाँ राज है ना, गौरी को देख लेगा। चलो जी, मैं ना अपने घर वालों को फोन कर देती हूँ। जीजी, ये क्या है? ये तो फोटो का टुकड़ा दिख रहा है, किसका है? जीजी, ये तो मैं जानती हूँ। ये तो सावित्री है, पर इसकी फोटो यहाँ जली हुई हालत में ऐसे कैसे? हाँ, ये उतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? ना मतलब इसका कोई सुन लेगा। पर जीजी, ये फोटो यहाँ कैसे? जीजी, कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसकी बात कर रहे थे आप लोग? गजब हो गया। हाँ, हाँ सच में गजब हो गया। इस आफत को सब पता चल गया, अब इसका मुंह कैसे बंद करूं जो खाते वक्त भी बंद नहीं होता। और सबसे बड़ी बात जीजी, सावित्री इतने सालों बाद अचानक हमारे घर में क्यों आएगी? मैं ना भाई साहब को जाके फोटो दिखाती हूँ कि इसकी फोटो हमारे घर में क्या कर रही है। मैं अभी बताती हूँ। इस आफत का कुछ तो करना पड़ेगा। माँ और डैड तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं, जाओ। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? बोलो ना, जाओ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जो मेरे सामने है वो मेरा राज है। सोचा था मैं तुमसे पूछूंगी नहीं कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, पर क्या करूं, तुमसे प्यार जो करती हूं तो पूछे बिना रहा नहीं गया। राज, तुम इतनी रूडली बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तुम हो। ये रिश्ता है, मुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम है। जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों। राज, हम दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं है जो रात के साथ के बिना टूट जाए, मर जाए। राज, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि बात कुछ और है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम मेरे राज हो ही नहीं। बोलो राज, कौन हो तुम? ये कौन सा रूप है तुम्हारा? मुझे लगता है तुम मेरे पति ही नहीं। और मुझे लगता है कि तुम मेरी पत्नी ही नहीं। मीनाक्षी, तुम दिमाग से इतनी पैदल हो कि सोचा नहीं था कभी तुम्हारे साथ वो करना पड़ जाएगा जो अभी मैं करने वाली हूं। ये क्या हो गया? कैसे हो गई? आ गई ठाकुरों की बारात। किसी ने फोटो देख ली तो इसे कहीं छिपा देती हूँ। मीनाक्षी, मीनाक्षी तुम ठीक हो? मॉम, क्या हो गया आपको? मीनाक्षी, मीनाक्षी तुम ठीक हो? भाभी ये कैसे गिरी? वो भागते हुए आ रही थी, मुझे तो परेशान लग रही थी, शायद पैर फिसल गया होगा। पापा, ये सब छोड़िए अभी। हाँ प्लीज, मॉम को संभालिए। मॉम, क्या हो गया आपको? खून, चाची का बहुत खून बह गया, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए अभी। राज, तू गाड़ी निकाल, मैं चाची को लेकर आता हूँ। हाँ। चल, मीनाक्षी उठाइए संभाल के।
मॉम। मीनाक्षी। मॉम। मीनाक्षी। डॉक्टर साहब देखिए ना। एक मिनट, एक मिनट। नर्स, जल्दी से ओटी तैयार करो। अगर इन्हें इंटरनल इंजरी हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जल्दी से इनका ट्रीटमेंट करना होगा। यस सर। बॉय, चलो, चलो। मीनाक्षी। मैं पानी लेती हूँ। बेटा रोते नहीं, माँ ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। हम लोग है ना सर? ये कुछ पेपर्स हैं, प्लीज रिसेप्शन पर फिलअप कर दीजिए। और सर कुछ दवाइयाँ भी हैं, प्लीज जल्दी से ले आइए। विकास जीजू, मेडिसिन्स मैं ले आता हूँ। हाँ। चाचा जी, मैं करवा के आता हूँ। गौरी, मुझे वो फोटोग्राफ देखनी है बेटा। कौन सी फोटोग्राफ पापा जी? अरे वही फोटोग्राफ जो उस औरत ने तुमको दिया। कल रात से देखना चाह रहा हूँ, अभी तक देख नहीं पाया मैं। ये आप क्या कह रहे ठाकुर जी? मीनाक्षी की ये हालत है और आपको आपको फोटो देखना है? उमा, ये यहाँ का बेस्ट हॉस्पिटल है। मीनाक्षी ठीक हो जाएगी, अपने आप को संभाल लेगी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मुझे सबको संभालना है, सबको देखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस फोटोग्राफ से कोई ना कोई सुराग जरूर मिले। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस औरत को चाहिए क्या हमसे। तो तू जा और जाके लेके आ। पहले मैं उस औरत को देखूंगा, उसके बाद पुलिस को दिखाऊंगा और फिर उसको हम लोग ढूंढेंगे। आखिर पता तो चले कि उस फोटोग्राफ की सच्चाई है क्या। तू जा। ठीक है मैं आती हूँ। अब गौरी फोटो लेने घर जाएगी। इसे अपने कमरे में फोटो नहीं मिली तो ये पूरा घर छान मारेगी। मुझे वो फोटो गायब करने का मौका ही नहीं मिला। कहीं वो फोटो गौरी के हाथ लग गया तो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।